हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। एंड दोस्तों, जो आज मैं आपके लिए गाड़ी लेके आया हूं वो है आपकी टाटा पंच। अगर दोस्तों आपका बजट आता है लगभग लगभग 10 लाख रुपए, तो ये गाड़ी आपके बजट में फिट बैठ जाएगी करीब करीब। ये पंच का दोस्तों टॉप मॉडल है इस तक क्रिएटिव के नाम से, एंड ये ड्यूल टोन में दोस्तों आता है। वहीं दोस्तों गाड़ी बहुत अच्छी है देखने में, लेंथ वगैरह सब अच्छी है। डायमेंशंस की बात की जाए दोस्तों, तो आपको इसमें लेंथ मिल जाती है 3827 मिलीमीटर, हाइट मिल जाएगी दोस्तों आपको 1615 मिलीमीटर की। वेट की बात करें तो वो आपको मिलती है 1742 मिलीमीटर की। एंड दोस्तों अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो आपको मिलती है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। एंड वहीं इसके दोस्तों अगर इंजन की बात करें तो आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवरट्रॉन इंजन पेट्रोल 3 सिलेंडर के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 87 bhp की। एंड वहीं 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। गाड़ी बहुत शानदार है, 20 का एवरेज दे दिए दोस्तों करीब करीब। सो दोस्तों की फॉब की बात करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का इसमें की फॉब मिल जाती है, देख लीजिए आप, जिसमें आपको लॉक अनलॉक एंड लाइट वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर फ्रंट की बात की जाए दोस्तों तो फ्रंट में आपको देख लीजिए आप टाटा का लोगो मिलता है। एंड वहीं दोस्तों आपको ये ग्रिल मिलती है पियानो में। एंड यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा क्योंकि इसके पीछे आपके हॉर्न की प्लेसमेंट है। एंड यहाँ आते हैं तो आपको DRLs मिल जाते हैं। एंड ये आपके इंडिकेटर हो गए दोस्तों। नीचे आते हैं तो हेडलाइट सेटअप मिलता है आपको, दो ड्यूल बीम में मिलता है, पहला प्रोजेक्टर मिलता है, दूसरा हेलोजन में मिलता है आपको हेडलाइट सेटअप। एंड यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है कुछ इस टाइप का दोस्तों। नीचे आते हैं तो आपको फॉग लैंप की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है। एंड वहीं बात की जाए तो उस बीच में आते हैं तो आपको ग्रिल मिल जाती है, ये आपकी एरो डायमंड कट में है, सो इसमें काफ़ी स्पेस खाली रहता है बीच में। एंड यहाँ आपको नंबर प्लेट के लिए आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों मैं आपको मेंशन कर दूंगा कितने मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें आपको। सो फ्रंट प्रोफाइल को इस टाइप की मिलती है दोस्तों गाड़ी में आपको। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं दोस्तों तो साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए गाड़ी का। वहीं अगर टायर साइज की बात करें तो दोस्तों टायर साइज आपको इसमें मिल जाता है 195/60 R16 का टायर साइज विथ डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ। एंड यहाँ आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से, ये क्लैडिंग आपकी पूरी बॉडी में घूमती है। एंड अगर इधर आके बात करते हैं ORVM की तो दोस्तों वो आपको ब्लैक कलर का ग्लॉसी कलर में आपको ORVM मिलता है, इसी में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। सो दोस्तों को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। ऊपर आते हैं तो आपको रूफ टॉप एंटीना मिल जाएगा। एंड यहीं आपको दोस्तों रूफ रेल्स मिल जाती हैं। एंड ये दोस्तों आपका मैट ब्लैक में आता है, एंड ये आपका दोस्तों ग्लॉसी ब्लैक में आता है। सो अगर रियर डोर ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ दोस्तों फ्यूल लिड ओपनर दे रखा है आपका, फ्यूल भरा सकते हैं। सो बात की जाए दोस्तों अगर इसके बैक प्रोफाइल की तो कुछ इस टाइप का आपका उसमें बैक प्रोफाइल मिल जाता है। बीच में दोस्तों टाटा का लोगो मिल जाता है, इधर आपको कैमरा मिल जाता है। ऊपर आते हैं दोस्तों तो यहाँ दोस्तों आपको मिलता है रियर वाइपर डिफॉगर विद हाई स्टॉप माउंट लाइट। एंड दोस्तों बात की जाए इसकी टेल लाइट सेक्शन की तो वो आपको ट्राई एरो शेप में आपको टेल लाइट सेक्शन मिल जाता है। एंड वहीं दोस्तों आपको बीच में पंच की बैजिंग मिल जाती है, नीचे आपको नंबर प्लेट के लिए, एंड उसके नीचे आपको दोस्तों दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। सो दोस्तों अगर उसकी बूट स्पेस की बात करते हैं तो टेल गेट ओपन करके देखते हैं कि आपको कितना बूट स्पेस मिलता है। सो पहले तो आपको ऊपर दोस्तों पार्सल ट्रे मिल जाती है कुछ इस टाइप की, उसके नीचे दोस्तों आपको मिल जाती है लाइट का ऑप्शन। एंड अगर बूट स्पेस की बात करें दोस्तों तो वो आपको मिलता है 366 लीटर का बूट स्पेस। सो काफ़ी डिसेंट सा बूट स्पेस दिया गया है दोस्तों, आराम से आपके 2-4 बैग आ जाएंगे। सो स्टेपनी व्हील की बात करते हैं तो वो आपको मिलता है दोस्तों 185/70 R15 का स्टील व्हील रिम। एंड साइज तो ठीक है दोस्तों, सो बूट स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है आपको। चलो चलते हैं एक बार गाड़ी के रियर डोर में, सो वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ मिल जाती है। सो दोस्तों कुछ इस टाइप का आपका उसका रियर डोर मिल जाता है, ब्लैक कलर का है एंड ये आपका वाइट कलर का है। सो ये आपका फैब्रिक पे नहीं है दोस्तों, ये आपका हार्ड प्लास्टिक है। पावर विंडो है, कंट्रोल्स डोर ओपन करने के लिए, ट्विटर स्पीकर, एंड ये आपकी हो गई बोटल स्पेस। इंटीरियर की बात की जाए दोस्तों तो कुछ आपको उस टाइप का इसका इंटीरियर मिल जाता है, ब्लैक कलर का इंटीरियर है।
टाइप का। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड इसका थाई सपोर्ट वगैरह एंड जो इसके अंदर के फीचर है वो देखते हैं एक बार। दोस्तों थाई सपोर्ट की बात करूँ ना मैं अगर, तो काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट दिया गया है। मेरे जो नीज़ है कंप्लीट, बिल्कुल जो उसकी सीट है कंप्लीट मेरे नीज़ तक ही आ रही है, तो थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। हेडरेस्ट की बात करते हैं तो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाता है दोस्तों। सीट है दोस्तों आपको फेंस टाइप में, सीट दोस्तों आपको 60-40 में स्प्लिट हो जाएगी एंड यहाँ आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है विद टू कप ग्लास होल्डर। पीछे आपको कोई भी एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं एंड बात की जाए रीडिंग लैंप्स की, तो पीछे भी आपको कोई रीडिंग लैंप्स वगैरह नहीं मिलती है दोस्तों। ये आपके ग्रैब हैंडल वगैरह हो गए। सो गाड़ी अच्छी है पीछे देखने में एंड फ्रंट का डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का लगता है आपको। एंड मैं आपको बता दूँ ये आपका टॉप मॉडल है क्रिएटिव। सो दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट गेट की यानी ड्राइवर साइड गेट की, तो उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। चलिए ओपन करके देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या आपको गेट्स में आपको कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो गेट्स को जो स्टेप का मिलता है प्लेन एंड वाइट में आपको, मतलब ड्यूअल टोन में गेट मिलता है। कंट्रोल्स की बात तो उसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मिरर सेट करने के कंट्रोल्स हो गए, लेफ्ट राइट एंड ये आपका होगा चाइल्ड लॉक का ऑप्शन। यहाँ आपको दोस्तों स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल स्पेस। इंटीरियर बात की जाए तो इंटीरियर बहुत अच्छा है गाड़ी का देखने में, नो डाउट पंच का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके सीट हाइट एडजस्टमेंट की, तो आप देख लीजिए सीट हाइट एडजस्टमेंट दोस्तों आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। इसमें आपको इलेक्ट्रिक ऑप्शन नहीं मिलता है, मैन्युअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अंदर चल के देखते हैं एक बार। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर एंड दोस्तों अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो कुछ इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। सो कुछ इस टाइप का आपका उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ आपको नॉर्मल रेसो मीटर मिल जाए, यहाँ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको डिजिटल आरपीएम मीटर, बीच में आपको इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्प्ले दी गई है कुछ इस टाइप की। सो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। एंड दोस्तों स्टेयरिंग की बात करें तो आपको इसमें टाटा का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको कंट्रोल्स वगैरह वॉल्यूम के कंट्रोल्स, राइट साइड में दोस्तों क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। स्टेयरिंग आपको दोस्तों लेदर रैप मिल जाता है कंपनी के थ्रू। एंड यहीं दोस्तों अगर बात करते हैं तो आप डैशबोर्ड देख लीजिए, डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा है एंड जो दोस्तों ब्लू कलर का एक्सेंट दिया गया है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट के ऊपर ब्लू मैच कर रहा है। एंड दोस्तों अगर इसके टच स्क्रीन की बात की जाए तो आपको हारमन का टच स्क्रीन मिल जाता है, ये आपका 7 इंच का टच है एंड हारमन का आपको उसमें स्पीकर सिस्टम मिल जाता है। ये आपके हैजार्ड के ऑप्शन है दोस्तों को जिस टाइप से मिल जाते हैं। एसी वेंट्स हैं, एसी वेंट्स दोस्तों उधर ही मिल जाता है आपको। बात की जाए इसके एसी की तो आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। नीचे दोस्तों इधर आते हैं तो आपको इसमें एक USB का चार्जर मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। यही दोस्तों आपको मोबाइल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है कुछ इस टाइप से। एंड गियर नॉब की बात करें तो आपको मैनुअल कार है, 5-स्पीड मैनुअल है एंड यहीं आपको ब्लू कलर का एक्सेंट मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आते हैं कुछ स्पेस मिलता है एंड यहाँ भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। हैंड ब्रेक कुछ इस टाइप से दोस्तों आपका, यहाँ आपको थोड़ा सा तो स्पेस मिल जाता है। एंड अगर दोस्तों सीट की बात की जाए तो आपकी फैब्रिक में दोस्तों सीट दी गई है, वेंटिलेटेड सीट नहीं है दोनों फ्रंट की। सो आते हैं दोस्तों इधर। मिरर की बात की जाए नॉर्मल आपका मिरर है, मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा। सनवाइजर की बात की जाए वैनिटी मिरर मिल जाता है, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहीं दोस्तों आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर सनग्लास होल्डर की कोई भी आपको प्लेसमेंट दी नहीं गई है। सो दोस्तों इस तरह आते हैं यहाँ पर एसी वेंट एंड यहाँ देख लीजिए ब्लू कलर का एक्सेंट मिलता है। इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको पुश बटन दिया गया है। यहीं दोस्तों आपके ये ड्राइव मोड्स के दिए गए, इको मोड्स हो गया, सिटी मोड हो गया, इनके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अच्छा है गाड़ी का, नो डाउट गाड़ी काफ़ी अच्छी है, स्पेस भी ठीक ठाक है गाड़ी में। एंड लास्ट वन दोस्तों अगर बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो उसमें आपको लाइटिंग मिल जाती है। ग्लव बॉक्स ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक ठाक से आपका ग्लव बॉक्स मिल जाता है। सो कुछ इस टाइप का आपको उसमें दोस्तों इंटीरियर मिल जाता है, गाड़ी काफ़ी अच्छी है। सो चलते हैं बाहर। एंड दोस्तों यहाँ आपको इसमें एक ट्विटर की स्पीकर है, ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये ट्विटर की प्लेसमेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आपका एक सब्सक्रिप्शन या आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और नई वीडियो बनाने के लिए। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट हो, तो प्लीज़ करना, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और कार के साथ किसी और शोरूम पे।